2023। और स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से संबोधन हुआ, उसको हमने सुना और अब हम चर्चा कर रहे हैं, नए दौर के भारत की बात कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान और जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दें। डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, और प्रोफेसर सुधीर सिंह जी जुड़े हैं जो शिक्षाविद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपको। चरण सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये कहते हैं कि दुनिया में स्थिरता की गारंटी भारत लेकर आया है, और भारत के आने वाले समय वो भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं, कैसे देखते हैं आप आर्थिक मोर्चे पर इन चीजों को ट्रांसलेट होते हुए? सबसे बड़ी बात, आपको भी बधाई आज के इस शुभ दिन पर। और आज जिस तरीके प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया है, आपने देखा है कि उनकी विजन अगले 2-5 साल पे नहीं है, 25 साल तो अमृतकाल उन्होंने कहा ही है, पर उन्होंने जिस तरीके अपना भाषण शुरू किया, जहां का एक छोटी सी गलती हुई, 1000 साल के लिए हम लोग को गुलाम कर दिया गया और हम लूटे गए, और अब हम अगर एक अच्छा कदम उठाएंगे अगले 1000 साल के लिए हम लोग को फायदा होगा। तो ये जो विजन है ना, ये विजन की मैं बहुत कीमत रखता हूं, और किसी देश के लिए ये विजन बहुत कीमती चीज इसलिए होता है क्योंकि एक दिशा देता है और एक बिंदु बन जाता है जिसकी तरफ हर एक ने चलना है। अब आपका जो सीधा प्रश्न है देश की प्रगति का, वो तो आप जानते ही हैं कि इतनी मुसीबतें पिछले 10 सालों में आई हैं, कोविड सबसे बड़ी थी, और उसके बाद यूरोप में कितने वर्षों बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, जिसमें नेटो और वो सब शक्तियां आई हुई हैं, तो उससे जिस तरीके पूरी दुनिया पे असर पड़ा है। पर ये सारा कुछ होते हुए भी देश, हमारा देश जिस तरीके विकसित हो रहा है और जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से, 6.1% 6.3% से जो विकसित हो रहा है, वो तो अपने आप में एक उदाहरण ही है। और ये चीजें ऐसे आसानी से नहीं हो जाती हैं। मैं कितने वर्ष रिजर्व बैंक में रहा हूं, फिर IMF में रहा हूं, फिर प्रोफेसर रहा हूं, हर चीज इतनी इतनी उपलब्धियों के लिए, हर चीज के लिए पीछे बहुत मेहनत, कड़ी परिश्रम जाता है, विचार जाता है, प्लानिंग जाती है। तो ये मैं सहमत हूं प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने जो ये कहा कि अगर हम विकसित रहना चाहते हैं हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अगर आज हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दुनिया भर में हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन रेट अगर देखें इतना अच्छी तरीके से चल रहा है, और उसका नतीजा ग्रोथ इतने अच्छे तरीके से चल रही है, उसका नतीजा के FDI इतनी रफ्तार से देश में आ रहा है, वो सिर्फ कड़ी परिश्रम के कारण ही हुआ है, और अगर आगे बढ़ना है तो वो ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे प्रधानमंत्री का जो मंत्र था, जहां उन्होंने कहा कि हमें भ्रष्टाचार से बचना है, भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है, उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया दीमक, पर भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो अंदर से लगता है, पता नहीं लगता है, पर देश की प्रायोरिटीज को बदल देता है, जो नेशनल राष्ट्रीय प्रायोरिटीज होती हैं उसमें इतना तब्दीली कर देता है, क्योंकि इन किसी वर्ग या किसी उद्योग का मतलब होता है वो प्रायोरिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज को चेंज कर देता है। चरण सिंह जी, भ्रष्टाचार पर आए उससे पहले एक बड़ी बात, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 25 साल का एक रोड मैप है सामने, तो उसमें एक बड़ी बात है कि आपको आगे बढ़ना है तो रिफॉर्म्स करने, और रिफॉर्म्स करने हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुमत वाली सरकार चाहिए, क्योंकि अगले 300 दिनों के अंदर अंदर देश एक बार फिर चुनावों के बीच से गुजरेगा, तो क्या ये भी एक मैसेज है कि भाई देश को एक कम से कम स्ट्रॉन्ग सरकार जरूर मिलनी चाहिए, रिफॉर्म अगर हम करने चाहते हैं आर्थिक क्षेत्र में? तो देखिए, भाषण के शुरू में भी और आखिर तक वो बात चलती रही, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और यही चीज पे उन्होंने कहा। मैं 2014 में आया था और मैंने कहा था कि मैं रिफॉर्म करूंगा, और मैंने की, और उन्होंने कुछ रिफॉर्म उन्होंने गिनवाए अपने भाषण में, इसमें एक दो राय नहीं है। इस चीज में मैं आपसे एक और बात, आप ही की चीज को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहता हूं। अगर आप याद करें, 3-4 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम $5 trillion इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं उस टाइम पे बहुत प्रसन्न हुआ था कि हमें एक बिंदु मिल गया है जिस तरफ पूरे देश ने जाना है।
अब कॉन्सेंट्रेट करके जाना है। बीच में कोविड आ गया और उस कारण वो बिंदु को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए, वो बात अलग है, और सबके सामने पूरी दुनिया के सामने वही चीज हुई जिससे सब जगह स्लो डाउन हो गया। उसके बाद मैं सोचता हूं कि किसी भी देश को जो पिछले 1000 साल से गुलाम रहा है और जिसमें इतनी लूटा धड़ी हुई है, उसके लिए 5 साल काफी नहीं है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी हम अमृत काल में जा रहे हैं, 25 साल का सामने बिंदु रख के जा रहे हैं और हम लोग विकसित होना चाहते हैं। अब उन्होंने यहाँ ये कितने ट्रिलियन डॉलर की बात नहीं कही, उन्होंने कहा एक विकसित देश बनना चाहते हैं, और उस तरीके उन्होंने एक नया बिंदु हम सब लोगों को, अर्थशास्त्रियों को और देश को दे दिया। और ये नए बिंदु को अचीव करने के लिए तो उन्होंने जो मंत्र दिया ही है, जो रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और वही बिंदु से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो उन्होंने रिफॉर्म की बात कही वो बहुत जरूरी है। एक रिफॉर्म हुए थे 1991 में और उसके बाद रिफॉर्म का प्रयत्न शुरू हुआ, जितने हो सकते हैं किए गए इतने 10 वर्ष के काल में, कुछ नहीं किए गए, कुछ को वापस लेना पड़ा, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कुछ चीजें आगे पीछे चलती रहती हैं, पर नीति साफ है कि हमने रिफॉर्म करना है, हमने ट्रांसफॉर्म करना है जी। फिर ही जाके हम लोग एक विकसित देश बन पाएंगे। वो जो नीति है, ये जो संकल्प है, वो बहुत कीमती संकल्प है जी। और उस संकल्प और उस नीति के पीछे प्रधानमंत्री ने, प्रोफेसर सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सुधीर उन्होंने बहुत साफ इन बातों को भी रखा और तुलना भी की 2014 में स्थिर सरकार से पहले के 3 दशक का जिक्र किया और राजनीतिक मजबूरियों का भी जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जब कड़े फैसले लेने होते हैं तो स्थिर सरकार के पास एक ताकत होती है। उन्होंने कहा कि अगले साल एक बार फिर लाल किले की प्राचीर से मैं आपसे बात करूंगा, क्या ये वो ताकत दिखाता है, ये बदला हुआ जो एक तो वोटर की जो मानसिकता जो सोच रही है स्थिर सरकारों को लेकर, क्या उस तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, उनके भाषण से, उनके भाषण में जो सार है, इन चीजों से ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जो आजादी का अमृत काल का कालखंड 2022 से 2047 तक का है, उसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पर खड़ा रखना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुकी है, 3री अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। विश्व बैंक और तमाम पैसिफिक जो पंडित हैं उनके अनुसार ये 2030 तक मैक्सिमम भारत ऐसा कर लेगा, बहुत जल्दी तो 2027 तक या 28 तक भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमको एक माहौल बनाना पड़ेगा। दुनिया में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है उसमें बहुत सारे FDIs भारत को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनको हमको रेड कार्पेट वेलकम देना पड़ेगा। जो बोटल लेक्स हैं, जो रेड टेपिज्म है, उसको हटाना पड़ेगा। अभी तमाम जो रिफॉर्म हमारे देश में हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के 9 साल प्लस का जो कालखंड है, इस तमाम चीजों के बावजूद कुछ जगह अभी भी रेड टेपिज्म भरा हुआ है, जिससे कि विदेशी पूंजी आने में 20 बार सोचती हैं। तो प्रधानमंत्री का इशारा इस पर भी था, चूंकि भारत में आप देखिए कि कोरोना काल के तत्काल बाद जो वैश्विक पूंजी है, FDI जिसको हम कहते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आंतरिक तौर पर हम एक ईमानदारी से शासन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ये बात जानते हैं कि देश का विकास, देश विकसित तभी होगा जब मुद्रा भंडार भरेगा। ऐसा नहीं है, तमाम लोग जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं उनके पास विकास कितना पहुंचेगा, तो हम देखते हैं कि शौचालय के माध्यम से, रसोई में जो गैस है उसके माध्यम से, हर घर में जल पहुंचाने के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के माध्यम से, एयरपोर्ट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये तमाम चीजें हैं। इसमें बहुत सारी चीजें और गिनाई जा सकती हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बहुत मजबूती से और समावेशी विकास की तरफ बढ़ रही है। देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि समाज का हर तबका विकसित हो। जैसे एक शरीर है, कौटिल्य कहते हैं कि उसमें 2 घाव है तो पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रहेगा, उसी तरह समाज में कुछ तबका पिछड़ा रहेगा तो जो देश का संतुलित विकास है वो नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को इस बात की चिंता है और इस भाषण से वो बात प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया है कि किस तरह से उनके पास एक रोड मैप है कि इसको सुनिश्चित करेंगे।
चरण सिंह जी, दो बातें इंपॉर्टेंट, जो दो खास योजनाएं प्रधानमंत्री ने आज के भाषण में, दो योजनाओं की जो भविष्य की योजना है उनका जिक्र किया, बहुत इसके बारे में तफसील से तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक उन्होंने विश्वकर्मा योजना, जिसमें उन्होंने जो जो छोटे कारीगर होते हैं, छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि 13 से 15 करोड़ रुपए जो है की राशि से इस योजना को शुरू किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने गाँव में 2 करोड़ लखपति दीदी की बात कही, गाँव में महिलाएं, महिला स्वयं सहायता समूह, जिनको ड्रोन चलाना और ड्रोन को रिपेयर करना सिखाया जाएगा और वो टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में उनको इस्तेमाल की जाएगी। ये जो दो योजनाएं हैं, इसका इकोनॉमी पे और जो है जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उस पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? ये दोनों प्रश्न, ये दोनों योजनाओं के बारे कहने से पहले आपका एक प्रश्न दो बार दोहराया गया, तो मैं उसका पहले जवाब देना चाहूंगा। देखिए, एक चीज आपने भाषण में देखी होगी, जिस तरीके उन्होंने कहा कि देश और देशवासियों, या उन्होंने जो वर्ड यूज किया परिवारजनों, आत्म सम्मान की बात की जा रही है, हम किसी से कम नहीं, और जो हम कहते हैं दुनिया उसे मानती है। अगर हमने कहा एक सूरज, एक दुनिया और एक ग्रिड, या जब हमने कहा एक परिवार, एक धरती और एक ही फ्यूचर, तो दुनिया उसको मान रही है। जो लाइफ की बात करी, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, वो भी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वो भी बहुत बड़ी बात कही। तो दुनिया इस टाइम पे जो भारत कह रहा है, भारतीय कह रहे हैं, उसको सुन रही है, तो ये आत्म सम्मान की बात है। उसके साथ प्रधानमंत्री की भाषण और उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो पूरा आत्मविश्वास के साथ भरी हुई है। अगर दुनिया में हमने अपनी छाप छोड़नी है तो आत्मविश्वास और आत्म सम्मान के साथ ही छोड़ी जा सकती है, तो वही चीज वो दर्शा रहे हैं। दूसरी बात जो मेरी समझ में आई है, अगर नीतियों की स्टेबिलिटी चाहिए, जिन नीतियों ने इतनी मुश्किलों से निकालकर हमें देश में, दुनिया में सबसे आगे लाके खड़ा किया है, वो भी आत्मविश्वास के कारण हुआ है और वो भी आत्म सम्मान के कारण हुआ है, तो उसी चीज को वो आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियर आ रहा था या जो उनकी शब्दावली से दिख रहा था। अभी आपने ये दो योजनाएं जो बताई हैं, उसमें मैं पहले 2 करोड़ लखपति दीदी की बात करता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप 1985 में नबार्ड, एक हमारे यहाँ की संस्था है जो रिजर्व बैंक के साथ नीचे साथ कह लीजिए साथ काम करती है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे है, उन्होंने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक्सपेरिमेंट किया था। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलती जुलती संस्था होती है, इसमें यहाँ हमारी बहनें, माएं आके मिलती हैं, मिलके काम करती है, और मैं इनके ऑफिसेज में कई बार जाके गया हूँ, उनकी नीतियों को अच्छी तरह अध्ययन किया है। ये बहुत आगे बढ़ने वाली चीज है। दुनिया भर में आप देखेंगे जो विमेन है, फीमेल्स है, हमारी बहनें, माताएं हैं, ये फाइनेंशियली मोर रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं, परिवार का बोझा भी उठाती हैं, और जब वित्तीय मामलों की बात आती है तो इन्हें देखा गया है ये ज्यादा जिम्मेवारी के साथ निभाती है मर्दों के, पुरुषों के कंपेरिजन में। अभी ये ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर में यूज होगी, ये थोड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और मैंने कई बार सर्वे भी किए थे बेंगलोर के आसपास टुमकुर में, वहां पर मैंने देखा था जो महिलाएं हैं, जब उनको सेलफोन दे रहे थे और कह रहे थे इसमें जैम ट्रिंडी के नीचे आप अपना अकाउंट खोल सकेंगी, महिलाएं आगे बढ़ के आती थी, हमें सिखाइए, हम करेंगे, करने को तैयार है, सीखने को तैयार है। तो उसी चीज सेल्फ हेल्प ग्रुप जो उनके अंदर तमन्ना है आगे बढ़ने की, उसी चीज को प्रधानमंत्री जी की ये योजना जोड़ रही है, ड्रोन के साथ टेक्नोलॉजी और विमेन को ये जिम्मेवारी दे रही है। एक बात और इसमें मैं कहना चाहूंगा, आपको रोक रहे हैं सर, इस वक्त सीधा समर स्मारक चल रहे हैं, राष्ट्रपति वहां पहुंच रही हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समर स्मारक पहुंची हैं, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, देश के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त समर स्मारक में, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं समर स्मारक से। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के औपचारिक कमांडर इन चीफ हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं तीनों ही सेनाओं के प्रमुख, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट। और आज का दिन विशेष रूप से भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को तो
जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन ही है, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें आज आज़ादी मिली है। लेकिन ये आज़ादी अगर अक्षुण रखी है हमने, तो उसके लिए भारत के वीर जवान जो सीमाओं पर भारत की रक्षा करते हैं, इसलिए आज के दिन उनको भी विशेष रूप से याद किया जाता है। जिन लोगों ने, जिन जवानों ने भारत की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व, अपने प्राण न्योछावर कर दिए, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और इसी भावना के साथ, इन्हीं भावों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त समर स्मारक पहुंची हैं। हर घर तिरंगा अभियान के साथ भी उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है, साथ ही साथ इस पूरी एक तरह से स्वतंत्रता की इस लड़ाई में जो कुर्बानियां और जो तमाम जो युद्ध भारत ने लड़े हैं, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, या फिर उसके बाद के जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध रहा हो, भारत और चीन का युद्ध रहा हो, उसमें जो कुर्बानियां दी हैं भारत के सैनिकों ने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आज़ादी के बाद भारत को चार युद्ध लड़ने पड़े। और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था कि आज़ादी मिलते ही हमें जो है युद्ध लड़ना पड़ा पाकिस्तान से। और उसके बाद जो है अब तक भारत चार युद्ध लड़ चुका है, 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ और 1 युद्ध जो है चीन के साथ। और जो छद्म युद्ध है, जो एक प्रॉक्सी वॉर है, वो तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार चल रही है और चीन की तरफ से भी अब इस तरह की लगातार कोशिशें होती हैं। और उसको और इसीलिए जो है इन 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 युद्धों में जो भारत के जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
तो राष्ट्रीय समर स्मारक से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। दूर इस समर स्मारक से आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखाई दे रहे हैं आपको, और पीछे जो है इंडिया गेट, और चारों तरफ तिरंगा। आज इंडिया गेट को ख़ास तौर से जो है इंडिया गेट, उसके आसपास और दिल्ली के तमाम प्रमुख जो स्थान हैं उनको आज विशेष रूप से सजाया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद समर स्मारक से बाहर निकलती हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ हैं और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 10 साल के कह सकते हैं कि 10 साल के जो उनके कामकाज रहे, उनकी सरकार के कामकाज, उनका रिपोर्ट कार्ड दिया। और इन 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में अगर आप ऋतु देखेंगे तो ये समर स्मारक जो है वो भी, और समर स्मारक क्यों बल्कि आसपास जो हम देख रहे हैं इंडिया गेट के पास, का जिक्र आपने किया जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिखाई दे रही है और उस कनोपी से लेकर कर्तव्य पथ बिल्कुल का एक तरह से उसे नाम देना, उसके साथ साथ तमाम ऐसे बड़े बदलाव जो भारत की उस गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ते हुए नए भारत को या नए दौर के जिस भारत की बात की जा रही है, अगले 25 साल तक जो अमृतकाल के इस सफर में उसको दिशा देने की, उन संकल्पों को पूरा करने की जो बात की जा रही है, उस दिशा में ये कुछ बड़े कदम हैं जिसमें राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना बिल्कुल, साथ ही साथ सामने ठीक उसके कनोपी पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंच प्रण की बात की थी 2022 में उन्होंने पंच प्रण की बात की थी और उसमें गुलामी की जो मानसिकता थी उससे आजादी की बात की थी, और उसके बाद जो है राजपथ जो है कर्तव्य पथ हो गया था। ये तमाम चीज़ें जो है एक बदलाव का और नए दौर के भारत की जो बात करते हैं। और अभी हम समर स्मारक से सीधा प्रसारण देख रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ताकत को देश के सामने रखा। केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण लगातार भारत का रक्षा निर्यात बढ़ रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा उत्पादों के निर्यात में 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया के कई देशों में अपने रक्षा उत्पादों के निर्यात से अपनी साख को मजबूत कर रहा है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल देश के लिए बड़ी उपलब्धि बन रही है। पेश है हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये रिपोर्ट। भारत में रक्षा उत्पाद बनाने वाली लगभग 100 कंपनियां हैं जिनके उत्पाद दुनिया के 85 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में रक्षा उत्पादों के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है। महज 7 वर्षों में रक्षा उत्पादों का निर्यात सरकार की बेहतर नीतियों के कारण 10 गुना तक बढ़ गया है। सरकार अब निर्यात प्रक्रिया को काफी सरल और आसान बना रही है। सरकार की ओर से बुलेट प्रूफ जैकेट और थर्मल कैमरे जैसे रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है। भारत रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस कड़ी में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करने का सौदा किया है। सौदे के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस साल की शुरुआत में $375 मिलियन का अपना पहला निर्यात सौदा किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अपने ऑर्डर को $5 अरब तक बढ़ाने का है। कंपनी इस दिशा में पहले से ही इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ बातचीत कर रही है। We have now moved from mind to market because we marketed into the Indian Armed Forces. We have now made it mind to the world. Honor to say that we have the Philippines export contract signed in February. Over the next 3 years, we'll be installing our missile system with them, and that just about opens the door for the future, not just with the Philippines but with the rest of the world. Because once you have started an export. The exports just continue. भारत आर्मेनिया को स्वदेश निर्मित पिनाका रॉकेट लॉन्चर का भी निर्यात करेगा। इसका निर्माण एक निजी भारतीय फर्म सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा है।
भारत की ओर से यह निर्यात ऑर्डर 2 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। भारत में इस वर्ष बनाया गया लगभग $2 बिलियन का निर्यात रिकॉर्ड भी थोड़े समय में टूट सकता है। सरकार कंपनियों के लिए पहले से अब अधिक धन उपलब्ध करा रही है और इस क्षेत्र में अधिक निजी भागीदारी की भी अनुमति दे रही है। सरकार की ओर से अल्पकालिक लक्ष्य वर्ष 2025 तक रक्षा निर्यात को दोगुना करना है। डीडी न्यूज के लिए नंदिता डागर की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद यह कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। बिना रुकावट गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, UPI ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? यस। नॉनस्टॉप पेमेंट से मिलेगा? नॉनस्टॉप म्यूजिक? चलेगा, चलेगा, नॉनस्टॉप चलेगा। अब नॉनस्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए UPI ऑटो पे चलेगा। सर, हमारे स्टार्टअप का आइडिया बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना वो हमारा काम है। थैंक यू सो मच सर। कुछ रिश्तों में ताकत जो हर पल को खास करे, खुशियों से भरे जीवन मन में विश्वास भरे, हर वक्त जो हो मौजूद, हर उलझन सुलझाए, इन रिश्तों की इंडियन। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। गाने सुनने के लिए अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करें। सब्सक्रिप्शन खत्म? मिस्टर डीजे, UPI ऑटो पे कीजिए। ऑटो पे? यस। नॉनस्टॉप पेमेंट से मिलेगा? नॉनस्टॉप म्यूजिक? चलेगा, चलेगा, नॉनस्टॉप चलेगा। अब नॉनस्टॉप पेमेंट्स ऑटोमेटिकली करने के लिए UPI ऑटो पे चलेगा। देख, You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा, change soon. It's monsoon. डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 सितंबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। जिनके बलिदानों से मिली हमें आजादी, ये है उन वीर सपूतों की कर्मभूमि। जो दिन रात करते हैं इसकी रक्षा, ये है उन वीर जवानों की भूमि। जो मेहनत से सींच कर भरते हैं पेट देश का,
ये है उन किसानों की भूमि जिन्हें गर्व है अपने तिरंगे पर। ये है उन स्वाभिमानी भारतीयों की भूमि जहां लोग शांति और प्रेम से रहते हैं। वो है हम सबकी भारत भूमि। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर पूरे विश्व में बसे हुए भारतीयों को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब प्रण लें और साथ मिलकर बढ़ाएं कदम एक उज्जवल भविष्य की ओर। जय हिंद। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातों की। हम जानते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आज दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की है। सशक्त भारत वह है जहां प्रत्येक नागरिक को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिलता है। भारत सरकार की स्टैंडअप इंडिया योजना इसे सुनिश्चित कर रही है। हर क्षेत्र में विकास और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए भारत सरकार की स्टैंडअप इंडिया योजना बड़े बदलाव ला रही है। आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सृजन पर केंद्रित ये सरकारी योजना 2016 में शुरू की गई थी और तब से इसने हजारों लोगों की मदद की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। यह ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा देती है। देश भर में 17,000 से अधिक सहायता केंद्रों और ऋण की सुविधा के लिए 1 लाख से अधिक बैंक शाखाओं के साथ स्वयं का व्यवसाय और कार्य इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बना देती है। इस योजना ने आवेदन स्थिति की ट्रैकिंग को आसान और अनेक ऋण प्रस्ताव प्रक्रिया को सरल बना दिया है। स्टैंडअप इंडिया योजना में संभावित ऋण धारकों को सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। कोलेट्रल सुविधा फ्री करने के लिए भारत सरकार ने स्टैंडअप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की भी स्थापना की है। स्टैंडअप इंडिया जैसी पहल न सिर्फ लाखों भारतीयों की परिकल्पना और कौशल को पंख देती है बल्कि उन्हें भरोसा भी दिलाती है कि अगर उनके पास कोई विचार है तो देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। पलक शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जब आप रिपोर्ट देख रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण आपसे पहले हुआ और उसमें उन्होंने 3 चीज़ों की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक हमको जो है दुनिया के नक्शे पर जो है तीसरी बड़ी ताकत बननी है, तो 3 उन्होंने चुनौतियों की बात की। एक उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, एक उन्होंने कहा परिवारवाद और तीसरा उन्होंने तुष्टीकरण का। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में 2014 में उन्होंने ये कहा था कि ये लाल किला जो है राष्ट्र नीति का मंच है, राजनीति का मंच नहीं है। लेकिन आज जब वो तुष्टीकरण की बात करते हैं लाल किले से, तो कांग्रेस की ओर से अब रिएक्शन आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये जो है प्रधानमंत्री का राजनीतिक भाषण था तुष्टीकरण की बात करने, परिवारवाद की बात करने को। कैसे आप देखते हैं इसको, क्योंकि रिएक्शन लगातार आ रहे हैं इस पर। अब ये कांग्रेस पार्टी तो पूर्ण तौर पर परिवारवाद पर ही टिकी हुई है। एक परिवार कांग्रेस पार्टी को पिछले आजादी से 75वां स्वतंत्रता दिवस से लगातार चला रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दें तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री कांग्रेस के तरफ से नहीं बना। नरसिंह राव तो एक्सीडेंटल एक प्रधानमंत्री बन गए। मनमोहन सिंह किस तरह से बने ये सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल से चीजें चलती थी। तो परिवारवाद प्रमुख तौर पर चला और आज देश में जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो या एसपी हो या डीएमके हो या नीतीश बाबू हो, ये सब एक परिवार के आधार पर है। सिंगल ओन पार्टी है, मल्टीनेशनल पार्टियां, मल्टी स्टेट पार्टियां, एक ओनर ममता बनर्जी हो, तो ये तमाम लोग, क्या लोकतंत्र एक परिवार में सीमित होके रहेगा? लोकतंत्र की आत्मा क्या परिवार में ही शुरू होगी, परिवार में ही खत्म होगी? ये विचार आज हर व्यक्ति को करना है और प्रधानमंत्री जी का इस पर जो जोर था खास करके परिवारवाद पर, वो यही था कि परिवार में रह करके राजनीति संकुचित हो रही है। जो सेवा भावना से राजनीति प्रेरित होनी चाहिए वो सेवा भावना से प्रेरित नहीं हो पा रही है। आजादी के इस अमृत काल खंड में ये जरूरत है कि
राजनीति को परिवारवाद के रोग से मुक्त किया जाए और राजनीति को खुला छोड़ दिया जाए कि जो मेरिट से राजनीति में आए वो राजनीति करे। और राजनीति आज के डेट में बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप संसद चल रहा है विजिटिंग पार्लियामेंटेरियन की तरह आइए और फिर भाग जाइए दो महीना, फिर एक बयान लंदन में दे दीजिए, दूसरा न्यूयॉर्क में दे दीजिए, फिर पेरिस में। ऐसे नहीं चलेगा, आपको राउंड द क्लॉक जनता की सेवा के लिए संकल्पित रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का रेखांकन इन तमाम बिंदुओं पर खास करके परिवारवाद के मामले में बिल्कुल सही है और बिल्कुल समयोचित है। एक बात इसमें और महत्वपूर्ण है कि परिवारवाद जहां भी है वहां करप्शन भी, क्योंकि परिवार जहां होगा तो परिवार के अगले जो पीढ़ी के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना होगा, परिवार के पिछली पीढ़ी को, और वो करप्शन को पैदा करेगा। और यही हो रहा है भारत के राजनीति में। आप बिहार को देख लीजिए, आप बंगाल को देख लीजिए, आप तमिलनाडु को देख लीजिए और इस तरह के तमाम जो प्रदेश हैं देख लीजिए, और कांग्रेस पार्टी को ही देख लीजिए। राहुल गांधी से बेहतर कांग्रेस पार्टी में कई एक नेता हो सकते हैं। शशि थरूर बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा नाम है, दुनिया उनको जानती है, लेकिन वो अध्यक्ष के कैंडिडेट नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए, ये बात भी एक महत्वपूर्ण तौर पर इस बात का रेखांकन करता है कि परिवारवाद के लिए करप्शन को प्रोटेक्शन जरूरी है। अब करप्शन सिर्फ पैसे का करप्शन नहीं है, अयोग्य लोगों को आगे करना भी करप्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और परिवारवाद जितना मजबूत होगा, इस तरह का करप्शन जिसको हम नेपोटिज्म कहते हैं वो और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री जी इसको जड़मूल से समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं इस संबोधन। सुधीर जी, आज के प्रधानमंत्री के संबोधन को बेहद अहम माना जा रहा था भी और है भी, इस लिहाज से 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब तीन चुनौतियों गिनाई तो उसमें तुष्टीकरण गिनाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र चरित्र पर दाग लगाया है तुष्टीकरण ने। क्या 2024 को देखते हुए विपक्षी गठबंधनों की जो एक तरह से अपॉर्चुनिज्म की जो एक पूरी राजनीति है अवसरवाद की, क्या उसको ध्यान में रखते हुए या उस तरफ बड़ा प्रहार करते हुए तुष्टीकरण की बात प्रधानमंत्री ने की आज? देखिए, एक प्रहार तो निश्चित तौर पर राजनीतिक है, लेकिन यह मूल तौर पर राजनीति के आत्मा को शुद्धिकरण करने का है। हम कि समाज के किसी भी हिस्से को क्यों अलग समझे, समाज का सारा हिस्सा बराबर है। अगर शौचालय बनता है तो हर गरीब को फायदा होता है, अगर हर घर जल जाता है तो हर गरीब को पानी मिलता है, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचती हैं तो भेदभाव नहीं करती हैं, अगर हाईवे पर डे 35 किलोमीटर बनता है तो भेदभाव नहीं करती हैं, अगर 70 से 140 एयरपोर्ट हो गई तो वो लोगों को इधर से उधर आवागमन में कोई भेदभाव नहीं करती है। तो देश का सर्वांगीण विकास समाज के हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में डालकर चलेगा। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक दलों को बीमारी है कि वो तुष्टीकरण यानी एक धर्म के लोगों को विशेष तरजीह देने की बात करते रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो ऐसा करके उस धर्म के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट मनमोहन सिंह जी के पहले कालखंड में 2004 से 9 के बीच आया था। क्या कहता है सच्चर कमीशन, क्या हाल है मुस्लिमों की, क्या हाल है उनके आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति की, कौन जिम्मेवार है? वो 50-55 साल जो मनमोहन सिंह के पहले कालखंड के पहले का कालखंड है वो तो कांग्रेस ने ही रूल किया है, तो ऐसी स्थिति क्यों है? तो आज ना ही सिर्फ अपीजमेंट को समाप्त करने की जरूरत है, मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों को भी सोचना है कि अपीजमेंट उनका नुकसान कर रही है या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, अपीजमेंट, करप्शन, अपीजमेंट और साथ साथ जो परिवारवाद, ये तीन चीजें प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो इन तीन चीजों से जो हमको लड़ना पड़ेगा। और करप्शन को लेकर तो उन्होंने खास करके कहा कि नफरत जब तक इसके प्रति पैदा नहीं होगी तब तक जो है बात नहीं बनेगी। जैसे गंदगी के प्रति नफरत है उसी तरह से करप्शन को लेकर भी आनी चाहिए। दिन भर ये सब चर्चा चलती रहेगी और हम प्रधानमंत्री के भाषण और उस पर रिएक्शन जो दिन भर आएंगे उस पर लगातार जो है डीडी न्यूज पर अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो है इतना ही, मुझे और ऋतु को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तो मैच कर गया इसकी साड़ी के साथ मैं। Yeah, I don't know.